नमस्कार। समाचार प्लस की खास बुलेटिन समाचार एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। तो चलिए देखते हैं देश और दुनिया के साथ झारखंड बिहार की तमाम अहम खबरें, वो भी फटाफट। आज सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। इस दौरान अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिशा निर्देश बनाए जाने की जरूरत है। अमरावती से सांसद नवनीत राणा आज मुंबई के भयकाला जेल से रिहा हो गई। कल मुंबई के स्टेशंस कोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी। वो हनुमान चालीसा विवाद के बाद 12 दिनों से जेल में थी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हवा भरने के दौरान जेसीबी का टायर फट गया, जिससे मौके पर ही दो लोगों की मौत हो गई। विस्फोट इतना भयंकर था कि टायर के पास मौजूद दोनों लोग हवा में उछल गए और उनकी मौत हो गई। गुजरात में पुलिस की एटीएस ने हथियारों का बड़ा जखीरा पकड़ा है। इस मामले में एटीएस की टीम ने 20 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है। हैदराबाद में एक समुदाय विशेष की युवती से शादी करने पर एक युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई है। घटना में युवती के परिजनों का हाथ होने की बात सामने आई है। हरियाणा के करनाल जिले में पुलिस ने 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से बड़ी संख्या में गोली बारूद हथियार बरामद किए गए हैं। इधर आतंकियों से पूछताछ जारी है। दिल्ली के वेलकम इलाके में दो समुदाय के बीच झड़प का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में अब तक 20 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इलाके में भी भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। बिजली और कोयला संकट के बीच भारतीय रेलवे 1100 ट्रेन रद्द करने का फैसला लिया है। रेलवे ने कहा है कि इससे थर्मल पावर प्लांट को सप्लाई करने किए जा रहे कोयले से लदी मालगाड़ियों को आसानी से रास्ता मिल सकेगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के नाम पर फोटो का यूज कर फेक व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर सांसदों को मैसेज भेजने का मामला सामने आया है। मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने ओडिशा से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है। बीएसएफ ने जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में एक खुफिया सुरंग का पता लगाया है। सुरंग अमरनाथ यात्रा को बाधित करने के लिए खोदी गई थी। सुरंग का पता लगाकर सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के मंसूबों को विफल कर दिया है। राजस्थान के भिलवाड़ा में एक समुदाय के 2 युवकों पर हमला हुआ है, जिसके बाद इलाके में तनाव का माहौल पैदा हो गया है। भिलवाड़ा में सिटी एसपी का कहना है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट से अमिताभ बच्चन की फिल्म झुंड को ओटीटी पर रिलीज करने के लिए हरी झंडी मिल गई है। अब यह फिल्म कल यानी शुक्रवार को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो जाएगी। प्रशांत किशोर फिलहाल कोई राजनीतिक दल नहीं बनाएंगे। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रशांत किशोर ने बताया कि वे जन सुराज के बैनर तले बिहार की यात्रा करेंगे और महात्मा गांधी की जयंती यानी कि 2 अक्टूबर से वे बिहार में 3000 किलोमीटर पैदल चलेंगे। भागलपुर के सांसद अजय मंडल सड़क का ट्रैफिक जाम क्लियर करवाने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। उसके बाद उन्होंने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लोगों की समस्या को दूर करना मेरा कर्तव्य है। संगठन सशक्तिकरण अभियान की समीक्षा करने के लिए झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे सहित पार्टी के प्रदेश चुनाव पदाधिकारी पीआरओ प्रकाश जोशी 2 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे हैं, जहां उनकी अध्यक्षता में कोर कमेटी की बैठक हुई है। चतरा के लातवेद गांव में फर्जी तरीके से मां और बेटे दोनों एक दूसरे की एक ही सरकारी स्कूल में पदस्थापित है, जिसमें बेटा अपनी मां से महज 6 साल छोटा है। इस बात का खुलासा झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यालय में दिए गए प्रमाण पत्र से हुआ।
दानापुर के पालीगंज बाजार सड़क चौड़ीकरण की कार्य योजना बनाई जाएगी। स्थानीय सांसद रामकृपाल यादव ने पथ निर्माण मंत्री से नौबतपुर सड़क को जाम से मुक्ति दिलवाने और पालीगंज में बाईपास के निर्माण की मांग की है। राजधानी पटना में हुई बारिश से लोगों ने काफी राहत की सांस ली है। मई के महीने में ऐसी बारिश से लोगों में खुशी का माहौल है। देवघर जिला के सीओ के वाहन व एक डिजायर गाड़ी में सीधी टक्कर हो गई, जिसमें सीओ गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई और दुर्घटनाग्रस्त होकर यह गाड़ी पलट गई। इस घटना में 6 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। शराब पीकर अब गाड़ी चलाना मुश्किल होगा। अब बीसीसीएल के 3 इंजीनियरों ने ऐसी डिवाइस बनाई है जो शराबियों को गाड़ी ड्राइव करने से रोकेगी। यदि व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहा है तो यह डिवाइस गाड़ी को स्टार्ट नहीं होने देगी। हजारीबाग थाना अंतर्गत सड़क दुर्घटना में बाइक सवार ने एक युवक को ठोकर मार दी। कोडरमा से हजारीबाग डेंटल कॉलेज इलाज के लिए ले जा रहे युवक ने दुर्घटना स्थल पर ही अपनी दम तोड़ दी। वहीं घटना स्थल पर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फिलहाल आगे की कार्रवाई कर रही है। बोकारो में कोयला लदी मालगाड़ी बेपटरी हो गई, जिसका जांच रेलवे विभाग कर रही है। फिलहाल रेलवे अधिकारी घटना के वजहों की जांच करने में जुटी हुई है। लोहरदगा में रेलवे विभाग के द्वारा बनाए गए सबवे पुल निर्माण कार्य का स्थानियों ने विरोध किया। इस दौरान आक्रोशित स्थानियों ने किस्को मुख्य मार्ग को भी बंद कर दिया, जिसके बाद डिवीजनल रेलवे इंजीनियर ने मौके का मुआयना कर ग्रामीणों की समस्या को सुना और समाधान का आश्वासन दिया है। हजारीबाग के चयकला गांव में ब्याही गई एक महिला की मौत हो गई। घटना के बाद परिजन पोस्टमार्टम की आशा में सदर अस्पताल में पहुंचे, लेकिन पोस्टमार्टम अब तक नहीं हो पाया है। मुंगेर के अलग अलग 2 थाना क्षेत्रों में शराब निर्माताओं के खिलाफ मुंगेर जिला पुलिस और एटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में बिहवे जंगल में पुलिस ने छापेमारी की, जिसमें पुलिस को 3600 किलो जावा महुआ सहित कई सामग्री बरामद हुए हैं। इस अभियान को लेकर शराब माफियाओं के बीच हड़कंप मच गया है। जिले में मरीज को ले जाने के दौरान नर्सिंग होम के बाहर परिजनों ने 4 नर्सिंग स्टाफ के साथ बुरी तरह से मारपीट की है और फरार हो गए हैं। घटना के बाद नर्सिंग होम के स्टाफ और संचालक डरे सहमे हुए हैं। मधेपुरा के अलग अलग जगहों पर उत्पाद टीम ने छापेमारी की है और भारी संख्या में चुलाई देशी शराब और नशा मुक्त कोडीन सिरप के साथ 4 कारोबारी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। पटना सिटी के महात्मा गांधी सेतु पुल पर एक साइकिल सवार व्यक्ति की करंट लगने से मौत हो गई। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो सकी है। इधर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कटिहार में लायंस क्लब द्वारा आधुनिक तकनीकों से युक्त क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस का लोकार्पण बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस अवसर पर लायंस क्लब के कई पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। सासाराम में एक कलयुगी बेटे ने पहले तो अपने पिता के साथ मारपीट कर उसे बंधक बनाया और अपने छोटे भाई की हत्या कर दी। पूरी घटना सासाराम नगर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। विक्रमगंज में एक झोलाछाप डॉक्टर ने प्रसव के दौरान एक महिला की जान ले ली। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही के कारण महिला की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज चुकी है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। झारखंड बिहार की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आप देखते रहिए समाचार प्लस झारखंड बिहार। नमस्कार।